तो जी सभी दोस्तों को नमस्कार, और जिनका भी जन्मदिन हो उन्हें बधाई हो। दावतों के दौर से निकल के अब हम आ गए हैं अपने खेत पे। फिर वही रूटीन कर रहे शुरू करेंगे आज। इस खेत का पलेवा कर दिया है 2 दिन पहले, आज खोलते हैं इसमें को पानी। अभी मैं नक्का बंद कर दूँ जरा यहाँ को, ट्यूबवेल चालू कर दिया चल के पानी और देखें जरा नियंत्रण में है या आउट ऑफ कंट्रोल चलेगा। तो पानी जब चलाए ना लेवेटर था लेकर चलाए, जब सांप चलाए तो घूमता उड़ता। तो जी खेत में आ गया पानी, और हम जरा इस बंदे को टेस्ट कर लें जरा, तो टिक पाएगा ना टिक पाएगा। ऐसी उम्मीद है कि यहाँ को टूटेगा नहीं। लो जी इस खेत की थोड़ी सी कसरत यो है कि यहाँ डोल लगेगी जरा, अब मैं डोल लगा दूँ पहले। डोल कंप्लीट, अब और देख लें उधर को। तो जी हम कुएं पर जाने की सोच रहे हैं मोटरसाइकिल में, तेल है कम। शाम को जाना जिम जब ही पड़ेगा। अब मैं अगर चला गया खेत पे तो शाम को जिम तक पहुँचे ना पहुँचे कुछ नहीं पता नहीं, रिजर्व में वैसे लग रही है। तो पैदल परेड करते हैं खेत तक। मुझे ट्यूबवेल में पहुँचने वाले हैं, इतना लाइट भाग गई। अब वापसी घर जा रहे हूँ, सतेंद्र आने वाला होगा गन्ना भरवा में। ये आ गए जी हम अपने दूसरे खेत में जहाँ गन्ना भरा जाना है। अभी सतेंद्र आया नहीं है ट्रैक्टर लेके, और ताऊ जी के गेहूँ भरे जा रहे हैं हमारों के छोटे वालों के। उसके बाद ये शायद पलेवा करेंगे अभी इसमें ताऊ जी गन्ना बोने के लिए। ये 9 लाख का खेत खाली हो गया है, इसमें घास है और पत्ती है। अभी हमें कपिल भाई को फ़ोन करना पड़ेगा किसी दिन को, 1-2 दिन और रुक के थोड़ी जैसी फुर्सत सी मिलेगी। इसमें निकलवाएंगे रूटर बेटर, जो ईक जोतने वाला रूटर बेटर आवा है उससे इसे सही करवाऊंगा। तो बीच की जो घास होगी वो चली जाएगी, पत्ती भी कट जाएगी, फूट रही है धीरे धीरे, इतने गूलों सामने भी हो जाएगी, आसान रहेगा गूल पहचाननी कहाँ गूल है। एक रिश्तेदारों की खैर खबर लिया मैं, उन्होंने पत्थर निकलवाया पेट में से, तो उधर उनकी खैर खबर लिया मैं जाके। अब आया 1 घंटे में लौट के, तो 1 घंटे में वापसी आना, क्योंकि ट्यूबवेल अगर लाइट आ गई पीछे तो ट्यूबवेल चल जाए, मामला हो जाएगा अनियंत्रित फिर। मतलब मैं पहुँचता जी 12:30 बज रहे हैं और हम चल दिए वापसी, खैर खबर ले गए उनकी रिश्तेदारों की। तो जी हम पहुँच रहे हैं खेत पे गुड्डू का लंच डिलीवर करने। जोमेटो और स्विगी वालों से फास्ट डिलीवरी है मेरी वाली, वो कभी कभी लेट भी हो जाऊँ। लो जी मैं खेत पे आया हूँ, यहाँ पानी 1/2 घंटे पहले लाइट आई है, क्योंकि पानी जा रहा नाली में कम। मैं चाचा की एक में ओहो यहाँ टूट गया, टूट गया जी, पानी बंद करूँ जरा अभी। अच्छा के 10-1/2 घंटे हुआ लाइट आए हुए, सुबह से लाइट आई नहीं ही, अब 1/2 घंटे पहले आई ही हो।
उसमें से भी 10 मिनट का पानी तो ऐसे मान लो चाचा की एक नक में को टूट गया, नौलक की में को, तो ये भी अच्छा अगर नक पड़ी हुई है तो उनके आधे खेत में रह गया। और अब मैंने आग बंद करा, अब यो पानी आना शुरू हो रहा है पूरा पानी यहाँ को। तो अभी मेरे आंकलन तो ये कहता है कि इसमें लगेंगे लगभग 1.5-2 घंटे अगर लगातार लाइट चल जाएगी तो, बाकी देखते हैं। ये तो ये है, इधर को देखो हल्का हल्की सफ़ेद होने लगी, उधर को भी गीली है, लेकिन ये चल रही है पछाड़िया बहुत लंबी हवा। अब मैं यो नहीं सोच पा रहा ढंग से, अब मैं सोच रहा हूँ 2 दिन बाद यो भर कर रहा हूँ इसका पलेवा। अब मैं सोच रहा हूँ इस खेत के 2 दिन बाद इसका पलेवा करूँ, अब कहीं ऐसा ना हो कि यो तो खेत रह जावे गीला और यो लगातार सूख रहा पतला, क्योंकि बीज भी यहीं से निकल कर आना इस खेत में से ही, तो कभी यो खेत बीला रह जावे और यो जुताब हो जावे इतने, फिर पछाड़ी चल रही है लंबी, यो तो 2-3 दिन ही लगाएगी मुश्किल से, 3 दिन में खेत तैयार हो जाएगा जुताई के लिए। अभी इसके बारे में सोचता हूँ क्या करता हूँ। जी खेत तो भर चुका लगभग लगभग, टाइम भी 3:30 बज रहे हैं इस टाइम, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 10 मिनट और चलेगा। तो ये जितना दिखाई दे रहे हैं ये निशान, ये भी सब पानी के अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कोना गहरा आयो तो उसका ध्यान रखना है, तनाव महडूल। लो जी ट्यूबवेल कर दिया हमने बंद, तो जी जिम का काम निपटा, अब चलते हैं पेट्रोल पंप पे तेल डलवा के लाऊं इसमें। तो जी जिम से जल्दी हम वापसी, तेल डलवाने के बाद तो आज के ब्लॉग की करते हैं इतनी सी समाप्ति। धारावाहिक आगे भी जारी रहेगा, कल 5 बजे अगला एपिसोड मिलेगा, देखते रहें, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।